कुरुक्षेत्र तो मैं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव ये सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो जी अभी हम ना मधुबन में है और अभी जा रहे हैं हम कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, ठीक है। तो गाड़ी हमारे पास अभी है नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने उस टाइम जब हम गाज़ियाबाद जा रहे थे वहाँ पे जब पठान भाई की शूटिंग चल रही थी वीडियो की शूट, तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे पता लगा था कि गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज हो रखी है और खर्चा इतना आ रखा ना, मतलब 60,000 तो ऐसे ही बोल रखा उन्होंने, लेकिन अभी कॉल करके बताएंगे। और आज का टाइम दे रखा था उन्होंने, आज कॉल करेंगे देखो क्या सिस्टम होता है हमारा, तो फिर उसके बाद बताते रहेंगे कितना खर्चा आया। तो अभी खैर चल रहे हैं, बस ही में जाएंगे। सबसे पहले हम नमस्ते गाँव जाएंगे, वहाँ से पकड़ेंगे बस कुरुक्षेत्र वाली जो कि दिल्ली से आती जाती रहती है, ठीक है। चलो फिर जी यहाँ पे हम बैठ गए टेम्पो में जो कि गेट के बाहर ही था, तो टेम्पो में जाएंगे अभी हम नमस्ते चौक में, तो वहाँ से पकड़ेंगे हम बस कुरुक्षेत्र की, ठीक है। अभी तो खाली है, हम ही दोनों बैठ रहे हैं, ड्राइवर भी नहीं है पूरी चलाना पड़ेगा टोटो। हाँ जी बस में से हम उतर गए, बस हमने नमस्ते चौक से पकड़ी थी, बैठ ही गए थे तुरंत ही हम। फिर अभी यहाँ पे ये देखो गीता महोत्सव, ये देखो गेट भी सामने में दिख रहा होगा आपको। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र। टेम्पो वाले ने हमें बाहर उतारा और वहाँ से गेट से वहाँ से लिया हमारे 30 रुपये पर बंदा, ठीक है। 60 रुपये दोनों से लिया। और वो सामने आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, मैं आज आगे से दिखाऊंगा। इतनी भयंकर कृष्ण भगवान की भव्य मूर्ति है वहाँ पे, शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गीता सरोवर जहाँ पे मेला लगा हुआ है बहुत भयंकर, जो कि 6 या 7 दिसंबर तक का है ये जो आयोजित हो रखा है। अभी वो देखो मूर्ति हो गया, आपको मूर्ति देखो कितनी भयंकर है, बड़ी है। ये देखो ये पहुंच गए हम यहाँ पे, यहाँ पे गेट है और यहाँ पे ऊपर लिखा भी है गीता महोत्सव और श्री राम कथा 19 से 27 नवंबर तक। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंदर जाएंगे, देखो कि लाइन भी लग रहा है कि बहुत भयंकर। ये देखो भाई साहब बहुत खतरनाक भीड़ लग रही है यहाँ है। तो जी एंटर करते ही सबसे पहले इतनी प्यारी सी रंगोली दिख गई हमें, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये देखो अरे ये है गीता सरोवर, देख रहे हो। तो जी ये देखो सावधान रेलिंग से आगे पानी 15 फुट गहरा है, मतलब जो इस साइड है ना उससे आगे 15 फुट गहरा है। तो जो सीन हम दिखाएंगे, जो सीन हम देखेंगे ना वो सीन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और भीड़ भाई साहब बहुत सही लग रही है, बहुत सही। तो ये है जो ये गीता महोत्सव शुरू हुआ है, ये 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक है। और ये सामने जो मंदिर है ये महादेव का मंदिर है, तो अभी वहां भी चलेंगे। तो यहाँ देखो बस दुकानें जितनी भी है ना यहाँ सीरियल वाइज नंबर से लिखी है, हर दुकान के ऊपर नंबर लिखा पड़ा है, देख रहे हो।
यहाँ देखो पुलिस प्रशासन का ना बहुत अच्छा खासा बंदोबस्त कर रखा है यहाँ पे, कदम कदम पे पुलिस वाले देखेंगे। और वहाँ पे पीछे ना पीछे ऐसा तो साहब वहाँ पे पानी दे रहे थे। लग रहा भीड़ भाई साहब इतनी खतरनाक भीड़ है ना। जो पीछे महादेव का मंदिर है ना वहाँ बाद में चलेंगे, सबसे पहले ये पूरा घूमते हैं यहाँ पे। भाई साहब यहाँ देखो ये पूरे स्क्वायर में फैला हुआ है, वो देखो आगे तक है। और यहाँ पे नाव भी है, नाव का ये सीन है कि आप बैठो यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे डूब रहा ना तो तत्काल में एकदम तुरंत वहाँ पे उसकी जान बचाई जा सके। भीड़ बहुत भयंकर है, खो मत जाना ठीक है। ठीक है यहाँ ढूंढना भी मुश्किल है, फिर करेंगे कॉल ही कॉल। भाई साहब ये हमने बहुत ही बेकार पहन लिया, ये जो गर्म सा है ना इसमें बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। और उस साइड ना ज्यादा ही भीड़ है, कुछ ज्यादा ही है। ये देखो भाई साहब एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको है। तो इनका ये शो होता है यहाँ पे, जो सारे शो वाले यहाँ पे इनका नाटक होता रहता है टाइम टाइम से। तो ये देखो उस साइड से आए हम, ठीक है, मतलब वहां से जहाँ से हमने एंट्री की वहां से की। और यहाँ पे आते थे इतनी भयंकर भीड़ हो रही है ना बहुत ज्यादा, वहां से उस साइड कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ देखो यहाँ मतलब बहुत सही भीड़ है। और यहाँ पे दुकानें अलग अलग प्रकार के, हिमाचल की दुकान है वहाँ पे हिमाचल के कपड़े मिल रहे हैं, राजस्थान मतलब अलग अलग, और राजस्थानी भोजनालय भी जो कि काफी मशहूर है यहाँ पे। देख रहे हो सही सीन। तो जी ये जो मेला आयोजित हो रखे है बहुत भयंकर है, एकदम बीच में है, तो अगर हम पूरा घूमेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा इससे घूमते घूमते। तो अभी हम ना अभी दूसरी जगह भी जाना हमने, अभी खैर अभी पहले वहाँ पे महादेव के मंदिर में चलते हैं सबसे पहले, फिर आगे का विचार बनाते हैं। लेना तो हमने कुछ है नहीं है, लेना तो हमने कुछ है नहीं, हाँ बस ऐसे टाइम पास कर रहे घूम रहे हैं। हमें देखने आया है गीता सरोवर, यहाँ पे शायद ना गीता सरोवर में कुछ भागवत गीता से कोई रिलेटिव हुआ था, तभी तो यहाँ का नाम गीता सरोवर पड़ा हुआ है। इस सरोवर का नाम गीता सरोवर तभी तो पड़ा है। भाई जब भी आप यहाँ आओगे ना, मतलब जब तक मेला है 6 दिसंबर तक है, आप आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दिल्ली से भी आ सकते हो, दिल्ली से ISBTC से बस मिलेगी ना, वो डायरेक्ट कुरुक्षेत्र की मिलेगी, जो कि 210 में आप पूरा यहाँ पर पहुँच जाओगे। और हमने तो वैसे मधुबन से पकड़ी थी बस नमस्ते चौक से, फिर वहाँ से आ गए थे। अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं, पहले वहाँ पे मंदिर में चलेंगे। है क्या गरम पजामा जा चुको, गरम पजामा पसंद आ गया है, है? 30 रुपए सेल, 30 रुपए से लो बैठे चलो। ये वाला पजामा चाचू को पसंद आ गया है। अब देखो ये अब भीड़ बहुत कम होगी इस साइड में, और उस साइड ना बहुत ज्यादा भीड़ थी। जैसे हम एग्जिट की तरफ निकल रहे ना वैसे वैसे भीड़ कम होते जा रही है।
तो ये सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रिज पार करके चलेंगे। तो जी ये है देखो महादेव जी का मंदिर, सर्वेश्वर महादेव। और यहाँ पे ना लाइट शो भी होता है रात को, बहुत खतरनाक। लेकिन रात तक हम रुक नहीं पाए क्योंकि हम आए बस अपनी गाड़ी लेके नहीं आए, इसलिए हम जल्दी निकल जाएंगे। अभी कहीं दूसरी जगह भी जाएंगे